they move zigzag. Okay, now diet की बात करते हैं, fish or squids basically they eat, and breathe की बात करते हैं तो special blood and muscle tissue जो होते हैं they are present, ताकि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो इंक्रीज किया जा सके. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज माइग्रेटरी बर्ड्स. व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड्स? अरे सर्वाइवल के लिए एक दूसरे जगह रहते हैं. मैम माइग्रेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मैम सर्वाइव के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. मैम प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड वेदर. कोल्ड वेदर मतलब कैसा कोल्ड वेदर? कोल्ड वेदर तो हर जगह है, यहाँ पर भी है. एक्सट्रीम कोल्ड वेदर? हाँ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर नहीं, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस. एक्सट्रीम कहते हैं बेटा उसको, जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है जनरली क्या होता है माइनस पहुंच जाता है. ठीक है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस से क्या चीज करने के लिए, किस चीज के लिए? एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से अपने आप को क्या करने के लिए वो मूव करते हैं? बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. बेटा सर्वाइवल इज द मेन वन. ओके, नेक्स्ट वन इज बर्ड्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड वेदर या कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ओके, that they migrate from the polar region to what? Often migrate to the what? कहाँ मूव करते हैं polar region से? Warmer places. That is the warmer places पर. ठीक है, जहाँ पर वो क्या है nesting कर सके, मतलब अपना घोंसला बना सके और अपनी generations को क्या है form कर सके. उसके बाद what about food के लिए जाते हैं? ठीक है, और अपने survival के लिए जा सकते हैं. ठीक है, तो वार्मर प्लेसेस की तरफ जब मूव करते हैं दैट इज नोन एज द माइग्रेशन. ठीक है, टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. नेक्स्ट वन दे रिटर्न बैक. जब विंटर वहां पर रहते हैं, जहां विंटर क्या होते हैं बेटा, बेसिकली फिनिश हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एग्जांपल के तौर पर अगर हम माइग्रेटरी बर्ड का एग्जांपल लें तो व्हिच वन इज द माइग्रेटरी बर्ड? मैम आर्कटिक टर्न. साइबेरियन क्रेन. हाँ साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न, ये क्या है माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि इंडिया में कहाँ पर आते हैं? मैंने उस दिन क्वेश्चन में दिया था आपको भरतपुर बर्ड्स राजस्थान हरियाणा पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बर्ड्स हैं वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ओके That is, ये तो हम ना रखो इले राम तब देख लिया जा. हम गुप्ता ओके, वन थिंग इज दैट इज भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, एंड नेक्स्ट वन इज दैट मींस सुल्तानपुर हरियाणा जो है. ठीक है, दे आर द प्लेसेस ऑफ द साइबेरियन क्रेन, क्रेन बेसिकली ताकि क्या है वो विंटर को एस्केप करके वहां से बचने के लिए, ठीक है, उस कंडीशन से बचने अपने सर्वाइवल के लिए वो वहां से छोड़कर यहाँ चले आते हैं कुछ समय के लिए, एंड आफ्टर दे बैक रिटर्न. ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टेट ट्रैवल. हाउ मच किलोमीटर दे ट्रैवल? हाउ मच किलोमीटर? 1500 किलोमीटर. किलोमीटर 15000 किलोमीटर दे ट्रैवल. ओके, यस मैम, क्लियर. नेक्स्ट वन इज सच बर्ड्स माइग्रेट टू सम सेम प्लेसेस एवरीवेयर. तो ऐसा नहीं होता है कि साइबेरियन क्रेन जो है वो इस साल आएंगी फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगी. ठीक है, वो एवरी ईयर जो होती है बेटा वो हमेशा हर साल आती है. ठीक है, और फिर उसी तरह से जब यहाँ पर सीजन खत्म हो जाते हैं वार्मर प्लेसेस के, ठीक है, वहां पर साइबेरिया में बेसिकली क्या होता है जब वहाँ वार्मर प्लेसेस आ जाते हैं तो वो वापस रिटर्न हो जाती है. ठीक है, एवरी ईयर जो होते हैं ये बर्ड्स जो होते हैं हमेशा आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन माइग्रेटरी बर्ड्स व्हिच वन दे फ्लाई वेरी हाई. ठीक है, क्योंकि उन्हें ट्रैवल बहुत दूर तक करना होता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस करना होता है, इसलिए ज्यादातर वो क्या होते हैं कि बहुत ऊंचाई पर उठते हैं ताकि क्या है पंखों को ज्यादा फ्लटरिंग ना करनी पड़े, फड़फड़ाना ना पड़े. ठीक है, तो इसलिए हवा के हिसाब से क्या होता है
एयर के अकॉर्डिंग जो होते हैं दे एयर की हेल्प से वो क्या होते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस को वो इजीली क्या होते हैं कवर कर लेते हैं तो दे फ्लाई वेरी हाई ऊंचाई पर उड़ते हैं वो ठीक है नेक्स्ट वन दे यूज द सेंस ऑफ डायरेक्शन व्हाट काइंड ऑफ अ यस हाउ दे फाइंड द डायरेक्शन टू कम बैक मैग्नेटिक जो है फील्ड जो होता है अर्थ का दे ऑल्सो यूज इट ठीक है उस चीज के बारे में भी सर्वे वगैरह चलता है ठीक है मतलब चल रहा है रिसर्च वगैरह चल रही है बट बेसिकली दे फॉर्म द लैंडमार्क्स वो लैंडमार्क्स बनाते हैं ठीक है अपने ब्रेन मैप में ठीक है मैप के फॉर्म में और इस तरह से वो क्या होते हैं जिस जगह से आए होते हैं वो उसी जगह से वापस रिटर्न हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट वन एंड आल्सो व्हाट और दूसरी चीज क्या है लैंडमार्क्स के अलावा मैम सन हां स्टार्स डायरेक्शन स्टार्स की डायरेक्शन और नाइट मैम स्टार डायरेक्शन हां दैट इज स्टार्स की जो डायरेक्शन होती है बेसिकली वो यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज Some use the magnetic field. तो इसमें birds ही नहीं use करते. Birds के अलावा और कौन कौन से insects होते हैं या other one होते हैं? They also mammals yes, में भी ऐसा होता है. Mammals. Animals में भी ऐसा होता mammals. है कि they also migrate. Just like dolphins की बात की जाए. Mammals. Fish. तो कुछ ऐसे fish होते हैं, insects होते हैं, mammals होते हैं, ठीक है? जो क्या होता है बेटा? जो migrate करते हैं. किसकी तलाश में भोजन की तलाश में ठीक है और फेवरेबल कंडीशन की तलाश में जहां पर वो क्या है आसानी से जी सके ओके नेक्स्ट वन इज बर्ड मूवमेंट इंक्लूड्स दोस मेड इन रिस्पोंसेस टू चेंज इन फूड अवेलेबिलिटी हैबिटेट और वेदर तो ये किसके रिस्पांस में होता है इंटर्न देखिए स्टिमुलस का मतलब क्या होता है जब कोई चीज हमें प्रेरित करती है किसी चीज के बदले में रिस्पॉन्स देने के लिए ठीक है अगर एनवायरमेंट में चेंज होता है तो और उनके एनवायरनमेंट जब कोल्ड कंडीशंस आते हैं तो उसके रिस्पांस में वो क्या करते हैं मूव करना स्टार्ट कर देते हैं मतलब अपने ग्रुप्स को लेकर क्या है वो एक दूसरी जगह जाने लगते हैं जहां उन्हें लगता है कि वहां उन्हें भोजन मिल सकता है फूड मिल सकता है प्लस वहां जहां वो ऐसी कंडीशंस में आसान कंडीशंस में क्या है वार्मर प्लेसेस फेवरेबल कंडीशन रहता है ठीक है वार्मर प्लेसेस पर वो आसानी से जी सके तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो माइग्रेशन के लिए क्या होती हैं मेन कारण होती है दे आर द मेन कॉसेस ऑफ व्हाट दैट इज द माइग्रेशन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आर्कटिक टर्न की व्हाट द आर्कटिक टर्न मैम इट इज अ माइग्रेटरी बर्ड दैट मूव्स व्हाट मैम फ्रॉम आर्कटिक टर्न टू एंटार्कटिक मैम फॉर आर्कटिक टर्न टू एंटार्कटिक हाउ मच इट ट्रैवल्स How much it travels? 2.4 million. 2.4 million. It travels 2.4 million. That is equal to million. 1 million. 3 trips. Okay. To the moon and back. Tropical rainforest की बात करते हैं. What the tropical rainforest? They hot and dry. Tropical rainforest, the rainforest that occur in main area of the location and that occur in equator and For example, tropical rainforest. Amazon. वो तो name है दो, दो name और कोई extra बताओ. Borean. हाँ. क्या पूछिए? What the tropical rainforest? मैं example बताऊँ tropical rainforest के. दो चीजें आपने बताई हैं मैम अमेज़न रेनफॉरेस्ट कांगो बेसिन ओके ओके जितने भी रेनफॉरेस्ट है बेटा बेसिकली दे आर इन द प्रेजेंट ऑफ द एरियाज ऑफ व्हाट ट्रॉपिकल रीजंस वेयर द क्लाइमेट इन व्हिच देयर इज अ व्हाट नो ड्राई सीजन ठीक है एंड ऑल मंथ्स हैव एन एवरेज प्रेसिपिटेशन मींस व्हाट एवरेज प्रेसिपिटेशन मींस 60 मिलीमीटर 16 मीटर
In summer, ma'am, it may cross 40 degrees Celsius. That is the 40 degree Celsius. Maximum अगर बाड़ी की temperature की तो बेटा 20-40 के बीच ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता. Yes ma'am. ठीक है. And low land equatorial evergreen forest भी नहीं कहा जाता है. ठीक है. They are referred to as. Ma'am. Or world largest pharmacy. हाँ. That is the lower. अगर बात की जाए तो low land equatorial क्योंकि basically ये evergreen forest होते हैं and present on the equator. Okay. So. 31% tropical rainforest can be categorized by the two words, that is hot and wet. Okay, wet. In monthly temperature exceeds 18 temperature 18 degree Celsius kya hota hai, zyada hota hai monthly temperature. ठीक है. And during all months of year 18 degree temperature से above रहता है. ठीक है. And day and nights are basically what? Equal. Because the tropical rainforest is present in the equator. And the sun ray. Yes. They get plenty of rainfall. Equator पे present होने की वजह से यहाँ day and nights क्या होते हैं बेटा? Equal होते हैं. दूसरी बात है इक्वल इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और कौन सी जगह है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की? आसाम. आसाम एंड इंडिया साउथ सेंट्रल अफ्रीका सेंट्रल अमेरिका साउथ ईस्ट एशिया. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाई लेवल ऑफ क्या प्रेजेंट रहता है? ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी. हां दैट इज द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो मींस लिविंग एंड डाइवर्सिटी मींस लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके एंड वेरिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके वेरिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. द वैरायटीज जो पाई जाती है डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है. ऑन अर्थ दैट इज द बायोडाइवर्सिटी. ओके नेक्स्ट वन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव बीन कॉल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मेसी बिकॉज़ व्हाट? क्यों वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मेसी इट इज कॉल्ड? व्हाई मैम? मेडिसिन. मैम मेडिसिन हैव बीन डिस्कवर्ड in this because point. Natural medicines have been discovered in this. Okay. What, ma'am? World largest pharmacy. Tropical rainforests are known as world's largest pharmacy. Why basically it is called? Because. Ma'am, various type of animals living in. Natural medicines have been discovered. Because natural medicines have been discovered in them. Have been discovered. Because one third natural medicines जो हैं been discovered within them. बहुत सारे medicines जो है medicinal plants जो होते हैं basically जो medicine discover किए गए हैं वो ज़्यादातर वहाँ से उत्पन्न होने वाले क्या हैं? जीवों से हैं. ठीक है उत्पन्न. तो next one the major types of animals and living in rainforest are what? Monkeys, apes, gorilla, tigers. और कौन कौन से हैं? वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इज व्हाट? दैट इज द अमेज़न रेन फॉरेस्ट. अमेज़न रेन फॉरेस्ट. सो व्हाट रेन फॉरेस्ट? जो कि अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात की जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट है. ठीक है. और इकोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट जो है आप अभी भी वहाँ पर बेसिकली रिसर्च और स्टडी करते हैं. ठीक है. वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं एनिमल जो वैरायटी पाई गई है डिफरेंट प्लांट्स में एनिमल. ठीक है. वहाँ पर अभी भी उसके बारे में रिसर्च और स्टडीज जो हैं दे आर गोइंग ऑन. अ नंबर ऑफ थ्योरीज बहुत सारी ऐसी थ्योरीज जो हैं वो भी डेवलप हुई हैं. ठीक है. कि फॉर व्हाई एंड हाउ द ट्रॉपिक्स जो हैं क्यों इतने तरह के जो डाइवर्सिटी है बेसिकली वहाँ पर पाई जाती है. ठीक है. तो सिंस लार्ज नंबर प्रेजेंट है देयर इज इंटेंस कंपटीशन. व्हाट द कंपटीशन इज?
किस बात का कंपटीशन होता है वहां पर रहने वाले लिविंग्स के बीच में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? फूड एंड शेल्टर. फूड एंड शेल्टर. एंड हु फेस द व्हाट दैट कंपटीशन? व्हाट इज व्हाट हैपेंस? लूज. एंड दे सरवाइव. जो कॉम्पिटिशन्स को फेस कर पाते हैं बेटा, ठीक है, वो सरवाइव कर पाते हैं, और जो कॉम्पिटिशन्स को नहीं सरवाइव मतलब फेस नहीं कर पाते, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि वो उस जगह को छोड़ देते हैं बेसिकली, ठीक है. तो दैट इज व्हाट एक्सटेंड अ फाइंड अ न्यू प्लेस, या नीड्स जो होती है दूसरी जगह रहने के लिए दूसरी कम्युनिटी को ढूंढ लेते हैं ताकि कम्युनिटी में जाकर रह सके. एंड देयर इज अ कॉम्पिटिशन, ठीक है, वहां पर बहुत कंपटीशन होता है फूड के लिए और शेल्टर के लिए, ठीक है, और इस तरह से जो उस कंपटीशन को फेस कर पाते हैं वो आसानी से उस जगह पर रहने के लिए अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है. दूसरी चीज क्या है? डायरेक्ट कंपटीशन विल ओपन व्हाट लीड टू वन स्पीशीज डोमिनेटिंग. अगर डायरेक्ट कंपटीशन होता है तो इसका मतलब वन इज डोमिनेटिंग एंड अदर इज रिसेसिव वन, ठीक है. तो अगर डोमिनेटिंग है तो उसको तो एडवांटेज मिल जाता है आसानी से, ठीक है, और अल्टीमेटली अगर जो डिसेसिव हो जाता है, डोमिनेट नहीं हो पाता, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, एक्सटिंक्ट होने लगता है, वहां पर वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को नहीं ढाल पाते, ठीक है. दूसरी बात है कॉन्गो बेसिन की, दैट इज द सेकंड. कॉन्गो बेसिन इज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल, एंड इट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका. हाँ, दैट इज इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका. सो इट इज द साउथ अफ्रीका. हाँ, विद ऑल मैम साउथ अफ्रीका. हाँ, 2 million ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ह्यूमिड फॉरेस्ट एंड एरिया ऑफ द साइज ऑफ मेक्सिको. ओके, रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में स्नेक आते हैं, लिजार्ड्स आते हैं, स्नेक लिजार्ड्स आते हैं, फ्रॉग्स और टोड्स आ जाते हैं. बर्ड्स में कौन से हैं? पैरेट और टोकन्स आते हैं. मैमल्स में स्लॉथ और जैगुआर जो होते हैं वो आ जाते हैं. तो कॉन्गो बेसिन में बेसिकली जो होते हैं इस तरह के जो जीव होते हैं, और भी बहुत तरह के वैरायटीज हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसका मतलब यहाँ डाइवर्सिटी जो है बेसिकली क्या है, पाई जाती है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द रेन फॉरेस्ट. अब इसका मतलब क्या है, डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द रेन फॉरेस्ट, different animals live in the different strata of the rainforest. What is the meaning of this line? Status. So, ma'am, different animal live. Na, aapne kabhi suna hoga ki jab jaise jungle yani forest ki baat kare to forest mein kya hota hai ki bahar ki taraf jahan jungle ghana hota hai andar ki taraf, theek hai, wahan par jo hote hain kafi matlab ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो खतरनाक ज्यादा होते हैं, ठीक है, और जो जंगल से बाहर की तरफ होते हैं जहाँ आपको नॉर्मली ऐसे जीव मिल जाएंगे जो नॉर्मली जैसे डियर, एलिफेंट, ये सब चीजें जो होती हैं, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं आसानी से दिख जाएं, ठीक है. तो इसका मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रेटा, जो फॉरेस्ट होता है उसके हर डिफरेंट स्ट्रेटा में लेयर में जो होता है वो अलग अलग तरह की वैरायटीज ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं. तो घने जंगल की बात, यानी जो मिडल पोर्शन होता है फॉरेस्ट का, वहां पर जो होते हैं डेडली एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइक लायन, टाइगर, जगुआर, ये सब होते हैं. जबकि अगर बाहर वाले स्ट्राटा की बात की जाए, ठीक है, जैसे सिंपल कदम दैट वन इज अ फॉरेस्ट, तो ये डिफरेंट स्ट्राटा होता है. तो इसका मतलब क्या है कि जो बाहर की तरफ होंगे वो इजिली आपको डिफरेंट माउंटेन वगैरह जो होते हैं या डियर वगैरह जो होंगे या इस वाले लेयर में दिख जाएंगे, ठीक है. लेकिन जो अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे घना जंगल जो होता है, अंदर वाला पार्ट जो होता है, सेंट्रल वन, ठीक है, दैट मीन्स इज व्हाट फॉर द डेडली एनिमल्स, ठीक है, वो डेडली एनिमल्स के लिए होता है. तो ये डिफरेंट स्ट्राटा के बारे में बता रहा है कि जो डिफरेंट स्ट्राटा होता है फॉरेस्ट का, ठीक है, वहां पर डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज इट, नेक्स्ट वन इज अडैप्टेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कि अडैप्टेशंस कैसे होती हैं. टोकन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टोकन्स को और क्या कहा जाता है बेटा, टोकन्स को जेंट
टोकन या फिर सिर्फ टोकन कहा जाता है? कॉमन टोकन. हाँ, कॉमन टोकन या फिर टोकन या फिर जेन टोकन जो होता है सिर्फ वो कहा जाता है. ठीक है, तो दे आर काइंड ऑफ अ बर्ड्स विद इट्स लार्ज ब्राइट ऑरेंज और येलो बीक. ठीक है, एंड टोकन्स इज व्हाट बेस्ट नोन फॉर द टोकन स्पीशीज एंड व्हाट इज इट दे लिव इन द रेन फॉरेस्ट. और ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका. इन द फॉरेस्ट ऑफ ओनली द साउथ अमेरिका. ठीक है, अमेरिका. और ये कहाँ ज्यादा रहते हैं? दे लिव इन ट्रीज. होम ट्रीज. हां, दे मेक देयर होम्स इन द ट्रीज. सो दे आर नॉट बेस्ट फॉर फ्लाइंग. ठीक है, एंड दे होप फ्रॉम व्हाट? ट्री टू ट्री. तरीके से तो इसका मतलब क्या होता है? होप करते हैं फ्रॉम ट्री टू ट्री. ओके, एंड द साइज ऑफ द बर्ड इज बेसिकली साइज ऑफ द बर्ड इज 25 inches. हां, दैट इज 25 inches. द साइज इज द लार्ज बर्ड्स एंड देयर बीक आर ओवर 7 inches. ओके, 7 inches बेसिकली कितनी होती है? 7 inches होती है. And actually look like a big and heavy. और basically light होते हैं because of its hollow and made of keratin like nails. ठीक है, उनकी body जो होती है hollow होती है bones. Tongue is long and used to grab the food. Tongue जो होती है वो कैसी होती है? Long होती है. ठीक है, ताकि food को आसानी से grab कर सके. ठीक है, पकड़ सके fruits या insects या small reptiles जो होते हैं. So what is the leaves in small flocks? छोटे से झुंड में रहते हैं. ठीक है, about 6 members और they make six their members. Make their nest. अपना nest कहाँ बनाते हैं? They make their trees. Nest in three holes. Trees. Next trees in hole. And what is camouflage? Ma'am. To mask their location. Okay. Camouflage is what? That is the blending or mixing with the environment. ठीक है, अपनी बॉडी का जो है एक ऐसी मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने एनवायरमेंट में ब्लेंड हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता. जैसे आप कैमलियन की बात कर ले हैं, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि वो अपने शिकार को या अपने शिकारी को जो है, ठीक है, शिकार को पकड़ सके या अपने आप को अपने प्रेडेटर से अपने आप को क्या है प्रोटेक्ट. सो दैट्स व्हाई द ऑर्गनिज्म जो होते हैं वो कैमोफ्लेज की इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, इस टेक्निक को बेसिकली यूज करते हैं, ताकि वो अपनी जिस लोकेशन में वो प्रेजेंट है उस लोकेशन के साथ वो क्या होता है ब्लेंड हो जाए या फिर हो जाए. So next one is animals have sensitive hearing, sharp eyesight and thick skin. इनके जो इस तरह के जो animals होते हैं basically उनकी sensitive hearing होती है, ठीक है, और what eyesight भी proper होती है and what thick skin जो होती है वो present रहती है. Next one is हम बात करते हैं lion tail macaw, ठीक है, that is the BAD. B India में कहाँ पाया जाता है सर? जो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट और माउंटेन्स ऑफ साउथ इंडिया. दे हैव हेयर इज साउथ इंडिया, दैट इज हेयर इज बेसिकली ब्लैक ब्लैक बियर्ड ब्लैक सिल्वर वाइट. सिल्वर वाइट मैनी जिसे हम कहते हैं, दैट इज सिल्वर. मैम क्या इंडिया में पाया जाता है? वाइट एंड मैनी. उसके चिन पर होती है और इनका वेट कितना होता है? 2 से 10 केजी होता है. 10 केजी. लेंथ जो होती है टेल की कितनी है बेटा? 25 centimeters. Animal who always live in trees.
always leaves on tree. Okay, and stem, they basically what they eat? What they eat? Fruits, leaves. Okay. Fruit. Ma'am, leaves, fruit. Young leaves, stem. Birds. Flowers. Stems, okay, insects. Flowers, fruits. Birds. To eat it. Okay. Stems.